अजोला एक फर्न है इसका प्रयोग हम अपने जो है खेतों में और अपने पशुओं को खिला सकते हैं और खिलाने से क्या होगा कि जो हमारे पशु हैं उनकी जो दूध में बढ़ोतरी होती है दूध में बढ़ोतरी जैसे अगर कोई गाय दो के जी दूध दे रही है तो वो ढाई किलो तक वो दूध देगी अब हम जगह का चयन करेंगे जिसमें हमने अजोला पिट बनानी है उसके लिए सबसे पहले क्या है कि भूमि समतल होनी चाहिए दूसरी बात धूप की रोशनी जो है सीधी पड़नी चाहिए किसी प्रकार की छाया वृक्षों की छाया वगैरह नहीं होनी चाहिए इसमें और जो है इसमें समतल भूमि होनी चाहिए ये नहीं कहीं पर गहरा गड्ढा हो ऐसा नहीं होना चाहिए इसको जो है हम खून कर खुदाई करके इसको हम समतल बनाएंगे और घास घूस जो पीछे हटा देंगे सवा दो मीटर लंबा और डेढ़ मीटर चौड़ा जो है हम निशान लगाएंगे छः इंच तक जो है गहरा इसको खोदेंगे इसको बराबर करेंगे सीट बिछाने से पहले हम जो है इसके ऊपर जो है बोरे वगैरह बिछा सकते हैं जिससे जो है हमारी सीट जो है फटे नहीं अब इसके ऊपर जो हम सिल्पोलिन की जी 150 जो है सीट बिछाएंगे सीट बिछाने के बाद हम इसके जो है चारों किनारों पर जो है ईंटें रखेंगे ईंटें इसलिए रखेंगे कि ये जो है हमारी जो सीट है वो हवा से उड़कर इसमें ना गिरे और सीधी ऐसे बिछी रहे उसके बाद 12 से 15 किलो तक उपजाऊ मिट्टी उसको अच्छी तरह से छान कर इसमें बिछा देंगे मिट्टी को डालने के बाद अब हमने जो गाय का गोबर पाँच से सात किलो तक रखा है दो दिन पुराना उसको पानी में घोलेंगे और जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे जैसे घास फूसू का उसको निकाल लेंगे और जो घोल को इसमें डालेंगे उसके बाद जो हमने 15 से 20 लीटर तक पानी इसमें डालना है पानी, हमने पानी इतना डालना है कि जो हमारे जो पानी है जो चार से पाँच इंच तक इसमें जो बनी रहता है उसके बाद हम जो है अजोला डालेंगे पाँच लीटर तक जो पानी है हमने ऊपर से छिड़काव करना है छिड़काव इसलिए करना है कि जो हमारा अजोला इकट्ठा हुआ है वो अच्छी तरह से बिखर जाए और जो उल्टा है वो सीधा हो जाए ये जो हमारा अजोला है ये पच्चीस से तीस डिग्री सेंटीग्रेड तक ठीक रहता है ना ये ज़्यादा सर्दियों में इसका जो रंग लाल हो जाए इससे बचाने के लिए हम जो है इसके ऊपर सीट डाल देंगे कि ये मतलब कि थोड़ा ढक जाए अब सात दिन के बाद जैसे ही हमारा अजोला तैयार हो जाता है इसका रोज़ एक चौथाई भाग हमने निकालना है और पशुओं को इसको धोकर खिलाना है और ये जो प्रक्रिया है रोज़ करनी है जिससे ये रोज़ फैल सके गोबर की दुर्गंध ना आए और ना इसमें मिट्टी हो इसलिए जो, इसे जो है एक प्लास्टिक के बर्तन में जिसमें छेद हो उसमें अच्छी तरह से धोकर पशुओं को फीड के साथ जो है दे सकते हैं कई बार क्या होता है पशु खाता नहीं है तो वो इसको खिलाने की आदत डालने के लिए स्टार्टिंग में फीड के साथ हमने थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा शुरू करना है ढाई ग्राम से लेकर और पंद्रह के दिन के बाद हम इसको ऐसे भी खिला सकते हैं इससे क्या होता है कि पशुओं में दूध की बढ़ोतरी होती है दूध जो है गाढ़ा हो जाता है और पशुओं को सभी प्रकार के से मिलते हैं इसके अलावा जो है बकरी है सुअर है मुर्गा है घोड़ा उसको भी हम ये खिला सकते हैं इससे यह है कि उनमें भी जो है फीड के आहार में कमी आएगी और ये सबसे जो है सस्ता साधन है इसमें जो किसी प्रकार का जो है लागत नहीं लगती है इसको हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं और जब सभी प्रकार की जो है चीजें हमें घर पर ही मिल सकती हैं अपने जो है खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं खेतों में कैसे इस्तेमाल करते हैं कि इसमें जो है नाइट्रोजन होती है जो हमारे जो है पौधों के लिए अच्छी होती है तो हम इसके धान के खेतों में जैसे हम धान लगाते हैं तो दस दिन के बाद जो इसकी इसको हम खेतों में डालते हैं और इसको हम जो ब्रीडर हाई जो है हमारे पास ब्रीडर उससे इसकी जो है बुड़ाई करने से ये जो हरी खाद के रूप में हमारे धानों को मिलती है और ये एक तरह का ये उर्वरक है जो मतलब कि हमारे खेतों में उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है इसके अलावा अगर हमारे पास बरसात के दिनों में ये हमारा उजला ज़्यादा हो गया हम इसको निकाल कर सुखा कर रख सकते हैं सात दिन के बाद इसमें जो है गोबर डालना है दो से तीन किलो तक गाय का गोबर जो है घोल के डालना है ऐसे नहीं डालना है उसके बाद दस दिन के बाद जो हम इसमें पानी जो है आधा निकाल के पानी जो है ताज़ा डाल सकते हैं और महीने के बाद जो है मिट्टी इसमें पाँच छः किलो तक उपजाऊ मिट्टी जो है छान कर डाल सकते हैं और छः महीने तक इसको दोबारा से फिर हम जो है पूरा इसको जो है पानी मिट्टी वगैरह निकाल के इसको दोबारा जो है रिपीट करेंगे इसी को जोला दोबारा से तैयार करने के लिए मेरा नाम अंजना देवी है मैं ग्राम पंचायत वर्ग दर से हूँ और हम जो है वो कोड के द्वारा जुड़े हुए हैं और मैं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना से जुड़ी हुई हूँ जैसे कि ये अजोला घास घास बनाया हुआ है इसमें हमारा तो कोई खर्चा नहीं होता वैसे सीट का होता है खर्चा और कोई खर्चा नहीं होता है इस घास का ये फायदा है कि गाय का दूध जो वो गाढ़ा हो जाता है और दूध में बढ़ोतरी होती है और हम